लोकसभा चुनावों की अधिसूचना के बाद सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने लोकसभा सीट सीधी के लिए निर्वाचन के संबंध में जानकारी साझा की और ये भी कहा कि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रथम चरण में सीधी लोकसभा सीट के चुनाव में चितरंगी, सिंगरौली और देवसर तीन विधानसभा क्षेत्र के कुल 817 मतदान केंद्रों में कुल 7,10,856 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इन 817 मतदान केंद्रों में से 285 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, जिनमें सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास करते हुए समय समय पर चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का लोकसभा चुनाव कराना है। जैसा आपको बताया है कि प्रथम चरण में हमारे जिले का चुनाव हो रहा है। 20 तारीख को प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेंगे। पूरा कार्यक्रम मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। जिले से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है निर्वाचन संबंधी उसके दस्तावेज आपको दिए जा चुके हैं। हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि निष्पक्ष निर्भीक चुनाव हो, हर मतदाता मतदान करने के लिए अपने मतदान केंद्र पहुंचे, इसकी हमारी पूरी व्यवस्था रहेगी। पूरा चुनाव निष्पक्ष रहे, निर्भीक रहे, बिना किसी भय प्रलोभन के हो, उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे। और यदि कोई व्यक्ति प्रलोभन देता हुआ पाया जाता है या डरा धमका के वोट डालने की कोशिश कर रहा है तो उसके हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।